हाय गाइस, ये 24 अप्रैल को आयल्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसकी प्रोडिक्शन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग में आपको पार्ट वन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक फॉर्म कंप्लीशन, ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे 1 to 10, तो आपको ध्यान रखना है। फिर भी पार्ट टू में आपको MCQs या मैचअप्स देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये मैचअप इसमें या MCQs थोड़े से ट्रिकी होंगे, तो रीड भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो ईजी टू मॉडरेट गैस है हमारा। पार्ट थ्री में फिलिंग दी ब्लैंक्स आपको मिलेंगी, और इसमें से जो ऑडियो होगी थोड़ी फास्ट चलेगी, तो आपको पूरा जो स्पीकर है उसके साथ में आपको बिल्कुल अपना ध्यान लगाकर चलना है, बी कॉशियस अबाउट दैट। एंड पार्ट फोर में आपको लार्ज MCQs मिलेंगे, आंसर्स बहुत ईजी होंगे, लेकिन MCQs की जो रिटन में लिखा हुआ होगा बहुत लार्ज फॉर्म में लिखा हुआ होगा, और स्पीकिंग भी जो स्पीकर बोल रहा होगा वो भी बहुत फास्ट फास्ट तो नहीं होगा, खैर लंबा होगा, तो आप ये मतलब ध्यान रख के चलना है कि कौन सा MCQ उसने कौन सा आंसर दिया है, थोड़ा सा उसके साथ आपको मैचअप करके चलना है। ओवरऑल आपकी जो लिसनिंग है वो इजी टू मॉडरेट आने के चांसेस हैं। इसके बाद बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग में पैसेज वन में आपको मैचअप्स चूज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, ईजी टू मॉडरेट होगा। पैसेज टू में आपको ट्रू फॉल्स या यस नो नॉट गिवन और लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें भी वो आपके पैसेज है वो भी ईजी टू मॉडरेट के चांसेज हैं। पैसेज थ्री में बात करें पैसेज थ्री की, तो समरी आ सकती है, MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी होगा एज़ कम्पेयर टू अदर टूज, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले फर्स्ट पैसेज अटैम्प्ट करो, फिर देन सेकेंड और देन थर्ड को, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स स्टूडेंट शफल करते हैं। करना भी चाहिए, पहले आपको क्या करना चाहिए कि हल्का सा ओवरव्यू लेना चाहिए कि कौन सा पैसेज फर्स्ट आपको इजी लग रहा है, जो भी पैसेज आपको इजी लग रहा है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी वाला जो सेकंड ईजीएस्ट है, देन थर्ड वन। तो इसमें क्या है कि आप फर्स्ट ईजी आप चूज़ करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आप मैक्सिमम ट्राई करो कि आप उसको 15 to 16 minutes में कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो आपका 4 to 5 minutes आपने सेव किए हैं वो लास्ट लास्ट पैसेज में आप यूज़ कर सकते हो, या लास्ट में आप गैस वर्क कर सकते हो। स्ट्रेटजी यही है कि आपको जो क्वेश्चन एक या दो बार पढ़ने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा, या जिसका आंसर समझ क्वेश्चन ही समझ में आ रहा, तो आप उसको स्किप करो, क्योंकि 3-4 questions ऐसे होते हैं जो 8 to 9 bands के होते हैं, तो इतना टारगेट तो हमारा होता नहीं है कि हम 8 to 9 band ही लेने हैं। सो इससे बेटर है कि उन 3-4 questions पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें और हम अपना टाइम सेव करें, लास्ट में अपना टाइम बचा तो हमारा गैस वर्क करके आगे निकलें, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन कोई भी। इसके बाद बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग में जो आपका टास्क वन है उसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, मैप और टेबल देखने को मिल सकता है, बहुत ईजी होंगे क्वेश्चन। पाई चार्ट और बार ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मैप और टेबल तो अगर आए तो बहुत इजी होंगे। टास्क वन ओवरऑल इजी ही होगा आपका। टास्क टू में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, सोसाइटी, और इसमें क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप हो सकती हैं और एग्री डिसएग्री टाइप हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि टास्क वन आपको जल्दी अटेम्प्ट करना है, ट्राई करें कि उसको 15 मिनट्स में कवर कर लें, और 5 मिनट आप सेव करें नेक्स्ट टास्क टू के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए। टास्क टू आपको जब रीड करना है तो उसकी जो स्टेटमेंट है जो थॉरली, तो उसको 2-3 बार उसको अच्छे से रीड करें कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स फ्रेम करें, कौन से बीपी में हमने कौन सा पॉइंट लिखना है, हल्का सा आप उस पर लिख सकते हो क्वेश्चन पेपर के ऊपर। देन अगर आपके पास ये प्लानिंग होगी 5 मिनट्स की, देन आप आराम से 20-25 minutes में कर सकते हो राइटिंग, ऐसे ही आप कंप्लीट कर सकते हो। 3-4 minutes आपने प्रूफ रीडिंग के लिए भी रखने हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हम लिखने टाइम हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम जब प्रूफ रीडिंग करते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि हमने ये यहाँ पे ये लिखना था, हमने यहाँ पे ये लिख दिया, तो हम उसको उसी टाइम करेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एक आधे बैंड का हमारा फ़र्क तो ऐसे ही निकल जाता है। तो यही थी मेरी सजेशन इसके लिए, ओवरऑल ये टास्क थोड़ा सा मॉडरेट आएगा। इसके बाद बात करें स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग में आपको पता ही है कि 3 पार्ट होते हैं। पार्ट वन में आपको जनरल क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे इंट्रोडक्शन के, और वो तो आपने PDF में आपने प्रैक्टिस की ही होगी, और पार्ट थ्री में आपको पता ही है कि उसमें लास्ट में क्या पूछता है, फॉलोअप्स पूछते हैं, जो क्वेश्चन जो आपको उसने क्यू कार्ड दिया उसी के रिगार्डिंग आपने फॉलोअप्स होते हैं, कभी कभी वो एक्स्ट्रा भी पूछ लेता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी होगी। और जो इसमें ध्यान रखने की बात है वो है कि स्पीकिंग क्यू कार्ड्स जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं,
तो इन पे आपको थोड़ा सा फोकस अलग से करना होगा। ये हालांकि आपको बाकी भी करने होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस पे ज़्यादा देना होगा। और ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट डिस्क्राइब अ वॉलंटियर एक्सपीरियंस यू हैव हैड, सेकंड डिस्क्राइब अ लार्ज कंपनी यू आर इंटरेस्टेड इन, थर्ड इज डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन यू आर इंटरेस्टेड इन, फोर्थ वन इज डिस्क्राइब अ लॉन्ग कार जर्नी, फिफ्थ वन इज डिस्क्राइब योर फेवरेट वेदर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यूनिक आइडियाज़ इन क्वेश्चंस के नहीं हैं आपके पास, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन क्यू कार्ड्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके यूनिक एंड इजी आइडिया देख सकते हो। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं स्पीकिंग में, आप वही सेम क्यू कार्ड्स जो बाकी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किए होते हैं वही सेम आइडिया बोलते रहते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है उसको पहले पता चलता था कि ये बंदे ने क्रैम किया हुआ है। तो आपका क्यू कार्ड ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपने मतलब जेन्युइन बोल रहे हो ऑन द स्पॉट। ऐसे इसके लिए आपको आइडियाज़ यूनिक होने चाहिए। अगर यूनिक आइडियाज़ नहीं है, इन क्यू कार्ड्स के लिंक मैंने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर लें। तो ओवरऑल 24 अप्रैल को आयल्स का एग्जाम होने जा रहा है, वो मॉडरेट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हेयर आर अदर टू वीडियोज, यू कैन वॉच देम एज वेल, एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज एंड शेयर दीज ऑल वीडियोज अमंग योर फ्रेंड्स।